हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। मैं आर के सर, RRC भविष्य चौक सहरसा। आज कोसी के युवाओं की तान वान और शान के लिए मैं एक बेहतर वीडियो का लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद से ज़्यादा है कि मैं वक्त पर काम करता हूँ। मैं आज तक कोसी के धरती के पानी और यहाँ की जवानी और अवसर पर चर्चा करता रहा हूँ और अवसर के चलते आज हमारे स्टूडेंट एक पर एक कामयाबी की ओर बढ़ते कदम जा रहा है। इसलिए आपसे कहना है, दुआ मांगी थी तेरी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां इस युवा की जवाने की। मेरे गम को कोई समझ ना पाया, मुझे आदत थी हर युवा के जहन में आग पैदा कर पढ़ाने की। और जिंदगी में यदि कामयाबी प्राप्त करना हो तो मेरे वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट्स भी लिखें और जितनी बन पड़ता है मैं बेहतर से बेहतर तरीके से मैं वीडियो को तैयार करके आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपकी कामयाबी में भागीदारी बनता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ चलिए हम अल्फाबेटिकल के अर्धांश और पूर्वांश पर हम थोड़ा सा वार्किंग से एक मज़ेदार ट्रिक देने जा रहे हैं कि बड़े से बड़े सवाल को आपको आँख देखते ही आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए बंधु, शुरू करते हैं। ए बी 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, 26 का आधा होता है 13, एक भाग इधर 13 लेटर, दूसरा भाग 13, इनको हम पूर्वांश भी कहते हैं। पहले भाग को पूरा का आधा अंश को पूर्वांश कहते हैं और आधे भाग को हम उत्तरांश कहते हैं। इसी पर हम बेहतर ट्रिक का उपयोग करने जा रहे हैं। आइए हम पूर्वांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, एम टू ए और जेड टू एन। भाइयों, इसमें टोटल 13 लीटर, इसमें भी टोटल 13 लीटर, 13 26 होता है। आज हम देख रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, पहले बाएं छोर, इस पूरा का बाएं छोर M है और दाएं छोर N है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब सीरीज 13 का हो तो एक ज़्यादा लेंगे, 14 का बनेगा। इधर भी 13 लीटर का है, एक ज़्यादा लीटर जोड़ेंगे तो 14 लीटर करके होता है। पहला भाग को हमें M से A की ओर जाने के लिए 14 में से घटाते हैं। पहला भाग पूर्वांश यदि विपरीत क्रम में हो और M से A की ओर जब हम जाते हैं तो 14 में से घटाएंगे, और यदि हम Z से N की ओर विपरीत क्रम में जाते हैं तो 27 में से घटाएंगे। जैसे बाएं से 4, तो बायां छोर हमें M है, M से 4 लीटर जाना है, तो पहला ही भाग में हम 4 लीटर जा रहे हैं तो हम तुरंत क्या करेंगे, 14 घटो 4 बराबर 10, 10 नंबर पर जी मिलेगा। बाएं से 6, तो पहला ही भाग में 6 लीटर मेरा रह रहा है बाएं छोर से, तो 14 में से 6 गया, बाएं से 6, 14 घटो 6 बराबर 8, 8 नंबर पर एस। इसी तरह से हम बाएं से यदि 16 चले जाते हैं, यहाँ तक हम 13 लीटर, उधर हम 3 बढ़ते हैं, 3 लीटर हम अगले भाग में चले जाते हैं, तो जब हम जेड से एन की ओर जाते हैं तो 27 में से 3 घटाएंगे, तो बाएं से 16 नंबर पर, तो बाएं से पहला भाग में 13 लीटर शॉर्ट हो गया, 3 लीटर आगे गया, और जेड से एन की ओर जब ही हम उल्टा जाए तो 27 में से 3 गया,
तो 27 में से 3 गया 24, 24 नंबर पर एक्सलेटर मिलेगा। जब बाएं से यदि हम 20 जाते हैं तो 13 लेटर यहाँ तक, और उधर हम दूसरा राउंड दूसरा भाग में हम 7 लेटर जाते हैं तो 27 घटो बाएं से 20, बाएं से जब 20 हुआ तो पहला भाग में 13, दूसरा भाग में हमें 7 गया, तो 27 में से 7 घटाते हैं तो 20 नंबर पर टी लेटर मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप एम से ए की ओर जाएंगे तो 14 में से घटाएंगे, जेड से एन की ओर जाएंगे तो आप 27 में से घटाएंगे। अब जब दाएं छोर से कहा जाए तो इन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जब हम दाएं छोर से 4, दाएं छोर एन है, एन से 4 लेटर यदि जाते हैं तो टोटल लेटर 13 होता है। दूसरा भाग में 13, पहला भाग में भी 13, तो 13 और प्लस 4 इसको जोड़ देंगे, 13 4 17 नंबर पर क्यू लेटर होता है। दाएं से 8 दूसरा ही भाग में रहेगा, तो दाएं से 8 लेटर तो 13 प्लस 8 21 नंबर पर यू होगा। दाएं से यदि हम 18 लीटर चलते हैं तो यहाँ तक में दूसरा भाग में हमें 13 लीटर आ गया, इधर बच गया हमें 5 लीटर पहला भाग में आ गए। जब हम ए से एम की ओर जाते हैं तो 5 नंबर पर हमें क्या मिलता है, ई। तो दाएं से 18 तो पहला दूसरा भाग में हमें 13 लीटर यहाँ तक और पहला भाग में 5 लीटर आया, तो 5 नंबर पर क्या होता है, ई। दाएं से 20 यदि दाएं से 20 चलते हैं तो दूसरा भाग में हमें 13 लीटर और 7 लीटर इधर आ जाते हैं पहला भाग में, ए से एम की ओर यथावत स्थान निहित है कि 7 नंबर पर क्या होता है, जी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे इस वीडियो का शेयर करेंगे और आपकी बेहतर कामयाबी मिलेगी। हम आगे भी ऐसे करते चले जाएंगे और आप लोग घर बैठे हर कामयाबी को इजी से इजी मेथड से आप तोड़ सकते हैं। इसी चीज़ को यदि हम बृहत रूप से यदि हम करें तो सवाल को एक बार बृहत रूप से लिखते हैं। यदि पूर्वांश और उत्तरांश को विपरीत क्रम में लिखकर बाएं से छठे के दाएं दसवें के बाएं चौथे के दाएं आठवें अक्षर क्या है। जैसा कि मैंने पहला ही वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि पूर्वांश को भी पहले वाला भाग को भी और उत्तरांश दूसरे भाग को भी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठे, क्वेश्चन पर ही टिक मारना है तो बाएं से छठे। अब बाएं के साथ यदि दूसरा बाएं आए उन्हें माइनस करेंगे, और दाएं के साथ यदि दूसरा दाएं आए तो उन्हें हम क्या करेंगे, माइनस। आइए बाएं के साथ जो भी बाएं आएंगे, सॉरी बाएं याद दीजिए, बाएं दाएं बाएं बाएं से छठे के बाएं, तो बाएं के साथ यदि बाएं आए तो यहां माइनस सभी बाएं को माइनस करेंगे, बाकी को हम प्लस करेंगे। बाएं से 6 - 10 + 4 - 8 = 8, तो 10 में से 6
6 में से 10 गया माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 8। तब हम तुरंत क्या करेंगे, बाएं को हम दाएं में बदलेंगे, जब भी माइनस में आए तो बाएं को उल्टा करेंगे हम दाएं, और माइनस 8 का विपरीत होता है प्लस 8। हम दाएं से 8 अक्षर, दाएं से एन से जेड की ओर हमें 8 अक्षर जाना है, तो 13 8 13 8 21 नंबर पर आपको यू मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।